8 सितंबर 2020 यूपी के महोबा जिले से बांदा की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले खोड़ा कस्बे में एक महंगी कार खड़ी मिली। कार में एक आदमी घायल मिला, शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। शिनाख्त महोबा के व्यापारी के तौर पर हुई, गर्दन में गोली लगी थी। व्यापारी को महोबा अस्पताल ले जाया गया, स्थिति गंभीर थी। डॉक्टरों ने कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। व्यापारी को लेकर उसके परिजन और कुछ पुलिस वाले कानपुर पहुंचे, यहां पर इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव के बाद 13 सितंबर को व्यापारी की मौत हो गई। लेकिन इस मौत से पहले ही यूपी में बहुत कुछ घट चुका था। प्रशासनिक महकमा सकते में था। कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में रुचि ले रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि गोली लगने से ठीक एक दिन पहले यानी 7 सितंबर को व्यापारी के कुछ वीडियो वायरल हुए थे। इस वीडियो में व्यापारी ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। अपने जिले के पुलिस अधीक्षक से ही उन्होंने जान का खतरा बताया था। वीडियो में कहा था कि पैसे मांगे जा रहे हैं। कहा कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो दे सके। व्यापारी ने साफ कहा कि अगर उनकी हत्या हुई तो जिम्मेदार जिले के एसपी साहब होंगे। व्यापारी का नाम था इंद्रकांत त्रिपाठी और एसपी का नाम आईपीएस का प्रीफिक्स लगाकर बोले तो आईपीएस मणिलाल पाटीदार। इंद्रकांत त्रिपाठी के घायल हालत में मिलने के बाद ही आईपीएस पाटीदार को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया। व्यापारी की मौत के बाद केस में धारा 302 यानी हत्या जोड़ दी गई। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसने कहा कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी थी। लेकिन उत्पीड़न और दबाव के पक्ष को देखते हुए एसआईटी ने मणिलाल पाटीदार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर दिया और अब मणिलाल पाटीदार पर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। वो फरार हैं और यूपी पुलिस गुजरात और राजस्थान जाकर मणिलाल को अरेस्ट करने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन इस सब के बीच बहुत कुछ हुआ है जिस पर बात होना बाकी है। क्या है पूरी कहानी है, चलिए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। महोबा जिला अपने ग्रेनाइट के पत्थरों के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग जानकारी देते हैं कि यहाँ पर लगभग 400 स्टोन क्रशर काम करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, पहाड़ हैं, पहाड़ों में ब्लास्टिंग से पत्थर तोड़े जाते हैं, फिर बड़े पत्थर स्टोन क्रशर चलाने वालों के यहाँ आते हैं, वहाँ उन्हें छोटे पत्थरों में तोड़ा जाता है। महोबा में एक कंपनी है वीआईपी ट्रेडर्स। वीआईपी ट्रेडर्स का काम है पहाड़ों में विस्फोट करने के लिए डायनामाइट और अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई करना। ये कंपनी तीन पार्टनर मिलकर चलाते हैं, पुरुषोत्तम सोनी, बल्लू महाराज और इंद्रकांत त्रिपाठी। इंद्रकांत महोबा के कबरई कस्बे के निवासी थे। इंद्रकांत के बड़े भाई विजय कुमार त्रिपाठी हमसे बातचीत में बताते हैं, इंद्रकांत के काम में लॉकडाउन के पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी। लॉकडाउन में कुछ समय तक बहुत दिक्कत रही, फिर जून 2020 में पहली बार इंद्रकांत और मणिलाल पाटीदार की बात हुई। मणिलाल ने इंद्रकांत से कहा कि वो हर महीने उन्हें 6 लाख रुपए दें तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआती नानुकुर के बाद इंद्रकांत मान गया, लेकिन 2 महीने पैसे देने के बाद इंद्रकांत की ये स्थिति नहीं रही कि वो इस स्कीम को चालू रख सके। विजय बताते हैं, मणिलाल को इंद्रकांत 2 बार में 12 लाख रुपए दे चुका था। अब मांग भी उतनी नहीं थी कि कमाई हो, तो इंद्रकांत ने मणिलाल से और पैसे दे पाने में असमर्थता जताई। कहा कि वो अब धंधा बंद करने की सोच रहा है क्योंकि अब उसकी कमाई रह नहीं गई है। तो मणिलाल ने इंद्रकांत को धमकाया, कहा कि तुम्हारे ऊपर इतने केस लदवा दूंगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे पता है कि तुम अपराधी प्रवृत्ति के हो, चुपचाप पैसे भिजवाते रहो। इंद्रकांत और मणिलाल के बीच आखिरी मुलाकात 3 सितंबर को हुई। स्थानीय पत्रकारों की माने तो ये मुलाकात मणिलाल के आवास पर हुई थी। इंद्रकांत ने कहा कि वो किसी भी हाल में पैसा नहीं दे सकता है। मणिलाल ने फिर से इंद्रकांत को धमकी दी, इसके बाद इंद्रकांत वहां से चला गया। अब आती है तारीख 7 सितंबर। इंद्रकांत त्रिपाठी ने महोबा के कबरई से पहला वीडियो शूट किया, वही वीडियो जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। ये वीडियो कार के भीतर बैठकर शूट किया गया था। वीडियो में तमाम बातें थीं, तमाम आरोप थे। कहा कि पैसे मांगे जा रहे हैं और उनकी हत्या होती है तो उनकी मौत के जिम्मेदार एसपी मणिलाल पाटीदार होंगे। इस वीडियो में ये भी कहा गया कि इंद्रकांत 9 तारीख को एक प्रेस वार्ता में बाकी बातों का खुलासा करेंगे, लेकिन 8 तारीख को वो अपनी कार में घायल मिले। 7 सितंबर यानी जिस दिन इंद्रकांत त्रिपाठी ने पहला वीडियो जारी किया था, उसी दिन तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था। पाटीदार ने कहा कि इंद्रकांत जुआ और सट्टे का संचालन करता है और साथ ही गैर कानूनी रूप से विस्फोटकों का धंधा भी करता है। इस दिशा में
कबरई थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 210/20 और आईपीसी की धारा 332-353 और जुआ अधिनियम 13 को भी प्रेस में जारी किया गया। इसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपना दूसरा वीडियो बनाया। इस वीडियो में इंद्रकांत ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और अगले दिन 8 सितंबर को एक वीडियो जारी हो गया। इस वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी को जुआ खेलते हुए दिखाया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो को महोबा न्यूज नाम के पोर्टल द्वारा जारी किया गया। आरोप लगे कि पोर्टल के संचालक अनस शर्मा की मणिलाल पाटीदार से करीबी रही है, इस वजह से सबसे पहले इसी पोर्टल पर इस वीडियो को जारी किया गया। लेकिन अनस शर्मा इन बातों का खंडन करते हैं। हमसे बातचीत में उन्होंने कहा, वो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पुलिस अधिकारी और बहुत सारे पत्रकार हैं। पुलिस कोई खबर डालती है तो हम लोग वहां से पिक करके उसे चलाते हैं, और सिर्फ मैंने नहीं, दूसरे कई सारे पोर्टल और चैनलों ने इसे चलाया था। इसमें किसी का करीबी होने जैसी कोई बात नहीं थी। इस दिन ही यानी 8 सितंबर को इंद्रकांत घायल हालत में मिले। 11 सितंबर को इंद्रकांत के छोटे भाई रविकांत त्रिपाठी ने कबरई थाने में FIR दर्ज करवाई। आईपीसी की धारा 387, 301, 120 और CRPC की धारा 7/13 के तहत इस मामले में आरोपियों की लिस्ट में मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, सुरेश सोनी और कुछ पुलिसकर्मियों का जिक्र था। तो ये ब्रह्मदत्त और सुरेश कौन है? स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सूर्या केमिकल्स के मालिक इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार को शक है कि इन दोनों की मणिलाल पाटीदार से सांठगांठ थी और इंद्रकांत की हत्या में इनका भी हाथ था। इंद्रकांत की मौत के बाद FIR में 302 की धारा जोड़ी गई। मामले में SIT का आगमन हुआ। टीम में थे विजय सिंह मीणा, शलभ माथुर और अशोक त्रिपाठी। SIT को इस मामले की 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी। SIT ने जांच की, रिपोर्ट सबमिट भी की। रिपोर्ट में SIT ने बताया कि 7 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा से जाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर के होटल झंकार में रुक गए थे। वहां पर उनके साले ब्रजेश शुक्ला और मित्र बालकृष्ण द्विवेदी मिलने पहुंचे। वहां से अगले दिन इंद्रकांत होटल झंकार से चेकआउट करके निकले और बाद में घायल अवस्था में अपनी कार में मिले थे। SIT ने दावा किया कि इंद्रकांत ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। SIT ने कहा कि मेडिको लीगल टीम के एक्सपर्ट ने बताया है कि गोली शरीर में सामने से घुसी थी। SIT ने कहा कि इंद्रकांत के घर वालों ने इंद्रकांत की लाइसेंसी पिस्टल रख ली थी और बहुत बार मांगने के बाद जांच के लिए SIT को सौंपी थी। SIT ने यह भी कहा कि जिस जुए के केस में इंद्रकांत का नाम आया था उसमें FIR दर्ज करते समय कहीं इंद्रकांत का नाम नहीं था। साथ ही पुलिस कस्टडी में कैद मुख्य अभियुक्त ने भी अपने बयान में कहीं इंद्रकांत का नाम नहीं लिया। कहा गया कि पुलिस द्वारा अस्वाभाविक विलंब से इंद्रकांत का नाम प्रकाश लाया गया, जिससे महोबा पुलिस की कदाशयता फौरी अनुवाद कहे तो बुरा आशय प्रतीत होती है। SIT ने दबाव डालने के लिए और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मणिलाल पाटीदार को आरोपी बनाया है। पर क्या SIT की जांच सही है? देखिए, SIT की जांच पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। दिलालन टॉप से बातचीत में इंद्रकांत के बड़े भाई विजय बताते हैं, सबसे पहले तो लाइसेंसी पिस्टल की बात। SIT कह रही है कि इंद्रकांत ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली और बाद में हमने उस पिस्टल को जमा किया, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। जिस दिन इंद्रकांत घायल मिले थे उस दिन पिस्टल घर पर ही थी। बाद में SIT की जांच शुरू हुई तो उन्होंने हमसे पिस्टल मंगाई, थाने में जमा करने को कहा, हम जमा करने गए भी। SIT ने अपनी रिपोर्ट में इंद्रकांत पर चली गोली का उनके पिस्टल से बैलिस्टिक रिपोर्ट से मिलान करने का दावा किया है, लेकिन विजय पिस्टल जमा करने की कहानी बताते हुए कुछ और दावा करते हैं। वो बताते हैं, जब मेरा भाई रविकांत पिस्टल जमा करने गया था तो वहां पर एक मन्नू यादव नाम का पुलिसकर्मी था। पिस्टल जमा करने की रसीद पाने के दौरान मन्नू कुछ देर के लिए पिस्टल लेकर बाहर गया था, शायद 10 मिनट के लिए। उस सुबह उन्होंने पिस्टल पर साइलेंसर लगाकर एक राउंड फायर किया, अपनी गोली पिस्टल में डाल दी और बाद में दावा कर दिया कि इसी पिस्टल से इंद्रकांत ने खुद को गोली मारी थी। इंद्रकांत अपनी कार के भीतर घायल मिले थे। विजय बताते हैं कि अगर इंद्रकांत ने खुद को गोली मारी थी तो कार में ठीक ठाक मात्रा में खून मिलना चाहिए था, लेकिन इंद्रकांत की ड्राइवर सीट पर, जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, पर ही खून का हल्का धब्बा मिला था। विजय कहते हैं, इंद्रकांत ने खुद को गोली नहीं मारी, इंद्रकांत को कार से बाहर किसी और ने गोली मारी है और बाद में उसे कार में लाकर बिठाया गया है, जिसकी वजह से कार में धब्बे मिले। तो सवाल उठता है कि क्या IPS पाटीदार को बचाया जा रहा है? पाटीदार 2014 बैच के IPS अफसर हैं। SP के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग महोबा जिले में हुई थी।
इलाके के कुछ लोग बताते हैं कि शुरुआत से ही पाटीदार ने इलाके में क्रशर कारोबारियों से सांठगांठ बना ली थी और धीरे धीरे उगाही का काम शुरू किया था। बकौल इंद्रकांत के भाई विजय, पहले कारोबारियों को थाना या चेक पोस्ट पर पैसे पहुंचाने होते थे। इंद्रकांत ने भी पहुंचाए थे, लेकिन कुछ महीनों से पाटीदार ने खुद ही पैसों की उगाही शुरू कर दी थी। स्थानीय पत्रकारों की माने तो इसमें पाटीदार की मदद देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव करते थे। अरुण यादव ने 1 दिसंबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। विजय ने बताया कि जिस दिन इंद्रकांत ने अपना वीडियो वायरल किया था, यानी 7 सितंबर को, उस दिन देवेंद्र शुक्ला इंद्रकांत के भाई रविकांत से मिलने आया था और मणिलाल पाटीदार से मिलकर सुलह करने की बात कह रहा था। SIT पर आरोप लग रहे हैं कि वो पाटीदार को बचाना चाह रही है, इसीलिए हत्या को आत्महत्या के मामले में तब्दील किया जा रहा है। पाटीदार की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADG जोन प्रेम प्रकाश ने कहा था, हमें पाटीदार के वकील ने बताया है कि पाटीदार को कोरोना हो गया है और इस समय वो कहीं आइसोलेशन में है, लेकिन मीडिया को ये नहीं बताया गया कि पाटीदार कहां आइसोलेशन में है। साथ ही आइसोलेशन में रहने के कुछ दिनों बाद पाटीदार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और अब उन पर इनाम भी है। इंद्रकांत के घर वाले मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि बिना मुख्य आरोपी मणिलाल पाटीदार से बयान लिए SIT ने कैसे जांच रिपोर्ट पेश कर दी, कैसे जांच पूरी हो गई। चौराहे की चर्चा है कि IPS लॉबी का दबाव है कि मणिलाल पाटीदार पर हत्या का मुकदमा न दर्ज हो। तमाम IPS अधिकारी इन आरोपों से इनकार करते हैं और इंद्रकांत के भाई विजय कहते हैं यह हत्या है और SIT इसे आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने पूरे मामले पर। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए डी लल्लन टॉप।